नमस्कार, मैं आपका दोस्त राकेश और फिर से स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। आज हैं हम भदभदा गेट पर। जैसा कि सर्वविदित है कि भदभदा जो बांध है, यह बड़े तालाब जिसे कि अपर लेक भी कहते हैं, उसका निकासी द्वार है, यानी कि यहाँ से पानी का ड्रेनेज होता है। और ये जो गेट लगे हुए हैं, ये 11 गेट हैं जो कि स्लस गेट कहलाते हैं। स्लस गेट वो होते हैं जिनमें कि गेट में लॉक हो जाता है, जिससे कि पानी के प्रेशर के कारण, अगर गेट में लॉक लगा हुआ है तो प्रेशर के कारण गेट अपने आप नहीं खुलते हैं और ना ही वो मुड़ते हैं। इनको एक लिफ्ट के माध्यम से उठाया जाता है। तो ये पीछे आप मेरे गेट देख रहे हैं, तो ये इस तरीके के 11 गेट हैं। इन गेटों का निर्माण सन 1965 में किया गया था। 1965 के पहले यहाँ पर सिर्फ एक दीवार हुआ करती थी और तालाब जब पूरा भर जाता था, माने कि अपने मैक्सिमम वाटर लेवल पे आ जाता था, तो उसके बाद ओवरफ्लो होकर पानी निकल जाता था। लेकिन 1965 में इस दीवार पर ये गेट लगा दिए गए। इसके पहले जो निकासी दीवार थी वह छरार सिस्टम था। छरार सिस्टम वो होता है कि जब तालाब अपने एक लेवल को पार कर लेता है तो पानी को अतिरिक्त बहाव को तालाब से निकालने के लिए एक दीवार बना दी जाती है और उस पर रपटे जैसा आकार दे दिया जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने अक्सर सुना है भदभदा गेट, तो इसका नाम भदभदा क्यों पड़ा? तो इसके पीछे की कहानी ये है कि जब दीवार पर से पानी नीचे गिरता था तो पानी के गिरने की जो आवाज़ आती थी, तो उस कारण इसका नाम भदभदा पड़ा। और यहाँ से तालाब से जैसे ही पानी निकासी होती है, तो आप ये पीछे देख रहे हैं, ये पानी सीधा कलियासोत में जाता है और भदभदा का पानी निकलने के बाद ही कलियासोत बांध भरता है और कलियासोत से फिर कलियासोत नदी में होते हुए मंडीदीप और भोजपुर के बीच में कलियासोत नदी भोजपुर के नज़दीक बेतवा में मिलती है। इसलिए कुछ लोग बेतवा का जो उद्गम है उसको कलियासोत नदी भी मानते हैं। भदभदा बांध के नज़दीक ही यह नारायणेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण हो रहा है, या कि मंदिर का निर्माण हो चुका है। और यह जो स्थान है यह सूरज नगर कहलाता है। अब हम भदभदा बांध के एकदम ऊपर आ चुके हैं। यह पहले पुराना रास्ता हुआ करता था, पहले इसी रास्ते का प्रयोग करके इस तरफ से उस तरफ जाया जाता था। अब इस रास्ते को बंद कर दिया गया है और यहाँ पर नगर निगम ने एक बोर्ड लगा दिया। हम भदभदा गेट के पीछे की तरफ आ चुके हैं और ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये बड़े तालाब का यानी कि भदभदा बांध का बैक वाटर लेवल है। अभी यह फुल लेवल पे है जो कि 1660.80 फीट पे है, और अगर हम इसे मीटर में देखें तो यह 502.04 मीटर पर है। और पहले आवागमन के लिए उसी बांध के ऊपर जो रोड था उसका प्रयोग किया जाता था, और अब आवागमन के लिए ये नया रोड बन चुका है जो कि सैर सपाटा के एकदम समानांतर है। ये सामने हमको सैर सपाटा का सस्पेंशन ब्रिज यानी कि झूला पुल दिखाई दे रहा है। तो यह था बड़े तालाब पर बने भदभदा बांध को देखने और समझने का मेरा एक छोटा सा प्रयास। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझे राय दे सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद नहीं आया तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।